राजस्थान में तापमान बढ़ चुका है, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच तापमान बढ़ने के साथ ही जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बेजुबान जानवरों के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की तरफ से उठाया गया ये कदम बहुत अहम है। इसके तहत हर वो इंतजाम किया गया है जो इन वन्य जीवों को गर्मी से बचा कर रखेगा। भालुओं को स्पेशल फ्रूट आइसक्रीम, तरबूज, सत्तू और शहद दिया जा रहा है। टाइगर पैंथर को दिन में मीट और शाम को ठंडा दूध दिया जाता है। बंदर, बबून, चीतल को सीजन के फ्रूट और ग्लूकोज युक्त पानी दिया जाता है। पक्षियों को भी फल और ग्लूकोज का पानी दिया जाता है। बता दें कि वन्य जीवों के पिंजरों में भी कूलर लगा दिए गए हैं। पैंथर, चीतल, बारसिंघा, बालू, लोमड़ी, बबून को लू भरी हवाओं से बचाने के लिए इनके पिंजरों के बाहर गीली टांटियां और फव्वारे भी लगाए गए हैं। वहीं टाइगर और शेर के पिंजरों में फव्वारों के साथ ही कूलर की ठंडी हवा भी दी जा रही है ताकि पिंजरे और उसके आसपास का तापमान ज्यादा ना बढ़े। गर्मियों में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को हीट वेव से बचाने के लिए और गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें हम जानवरों के ग्रीन नेट लगा रहे हैं, छांव के लिए पानी पोले की छांव करवाई जा रही है और टाइगर इनके में जो है रेन स्प्रे कराया जा रहा है, स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं, रेन गन वो चलाई जाती है। उसके अलावा जो वाटर कूलर का भी इंतजाम हम कर रहे हैं, इसके जो केज होते हैं उसके अंदर वाटर कूलर भी लगाए जा रहे हैं और विशेष तरह पे खान पीन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें भालू को हम जो है विशेष से बने फ्रूट्स की आइसक्रीम दे रहे हैं, उसके अलावा ताजा फल दे रहे हैं, शहद दे रहे हैं और सत्तू दे रहे हैं, इसके ताकि इनका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे और गर्मी में जो है ये अपने आप को बढ़िया ढंग से सर्वाइव कर सके और इनकी इम्यूनिटी लेवल बना रहे हैं। और भी जानवरों को कुछ खान पान में बदलाव किया है, तरबूज सीजनेबल जो फल है? हाँ, सीजनेबल फल डाल रहे हैं, तरबूज डाल रहे हैं, ककड़ी डाल रहे हैं, ये जो इनको हिरणों को भी डाल रहे हैं ये चीजें, और टाइगर के लिए जो है विशेष रूप से इनका जो है टेम्परेचर मेंटेन करने का ही जो है किया जा रहा है। इन गर्मियों में लू भरी हवाओं से बचना ही जरूरी नहीं बल्कि शरीर को अंदर से ठंडा रखना भी बेहद जरूरी है। इसी वजह से इंसानों की तरह ही वन्य जीवों की खुराक में भी बदलाव किए गए हैं। बता दें कि इस गर्मी में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क परिसर में तापमान ना बढ़े, इसके लिए यहाँ पिछले मॉनसून में पेड़ पौधे लगाए गए थे और अब छांव के लिए जगह जगह डिजाइन टीन शेड बनाए गए हैं। गर्मियों में वन्य जीव का मेडिकल चेकअप भी 2 दिन में एक बार अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इन्हें सुबह और शाम नहलाने के बंदोबस्त किए गए हैं ताकि सूरज की तपन से इन्हें बचाया जा सके।